मैं ऋतिक सर के लिए इतना एक्साइटमेंट हूँ, पीएस का मुझे लगने का चांस कम लग रहा है। सर मैंने उनका पोस्टर ही देखा, मैं पागल हूँ। टीजर देखे तो मैं पूरा पागल हूँ। कहा ना का विक्रम वेदा है ना, पीएस को बहुत भारी पड़ेगी। तो विक्रम वेदा जो है ना वो गेडी में अंगार लगा, और ऋतिक रोशन का लुक देखने के लोग तड़प रहे, मर रहे। विक्रम वेदा पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो लात मारने वालों में से। उसको शो भी कम मिलेंगे क्योंकि हर आदमी विक्रम वेदा 30 तारीख को देखना पसंद करेगा। पिक्चर 75% ऋतिक सर के हाथ में है और 25% मैं पीएस को दे रहा हूँ। मैं ऋतिक सर के लिए इतना एक्साइटमेंट हूँ, जब से मैंने उनका पोस्टर ही देखा मैं पागल हो गया। टीजर देखे तो मैं पूरा पागल हो गया, और ट्रेलर देखे तो मैं फ्लैट हो गया। और मैं ऋतिक रोशन सर का उल्टे दिन गिन रहा हूँ। और उसके बाद जो गाना अल्कोहलिक आया उसके बाद, बाप रे बाप, मैंने गेडी में देखा तो मुझे तो लग गया, मैं ऐसे देख रहा था, पिक्चर तो नहीं लग गई भाई, पिक्चर तो नहीं लगे। बाद में मुझे लगा एक सॉन्ग रिलीज हुआ, मुझे लगा मूवी रिलीज हो गई। मैंने बंदे से पूछा, भाई पिक्चर तो नहीं रिलीज हो गई, इतनी पब्लिक गाने के लिए? मैं शॉक्ड हो गया एकदम। और कहा ना का विक्रम वेदा ना पीएस को बहुत भारी पड़ेगी। पीएस मूवी मणिरत्नम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक हफ्ता आगे लेके जा, क्योंकि विक्रम वेदा जो है ना वो गेटी में अंगार लगाने वाली है, पूरी आग लगाने वाली है। अंगार 70 mm का पर्दा का टिचड़े टिचड़े हो जाएगा पूरा एकदम, चित्रे चित्रे हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऋतिक रोशन की खाली एंट्री होगी ना, मेरे को लगता है कि यहाँ के जो भी सेठ होंगे थिएटर के, उनको बोलूँगा जरा सिलाई वाले को बोला था, सीट भी सब टूटने वाला है, लोग जंप मारने वाले, एक्साइटेड होने वाले हैं। और ऋतिक रोशन का लुक्स देखने के लिए लोग तड़प रहे, मर रहे हैं। ताकि मैं खुद एक बोल रहा हूँ, मैं वो सर का खाली एंट्री देखने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ, मैड हो रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ विक्रम वेदा बहुत बड़ा ओपनिंग करेगी, मोर देन 25 करोड़ का ओपनिंग नहीं करेगी तो मेरा नाम बदल देना आप। क्या बात है। यस सर, पीएस सर, पीएस बहुत मार खा जाएगी। पीएस सर मणिरत्नम को मैं बोल देता हूँ, मैं मणिरत्नम का बहुत बड़ा फैन हूँ, रोजा के जमाने से उनकी पिक्चर देख रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर है। लेकिन विक्रम वेदा के मुंह ना लगे तो अच्छा ही है, क्योंकि कहा ना आप आग में हाथ डाल रहे, आग में आग डालने से खुद का हाथ जल जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप अपनी मूवी का जो डेट है उसको अक्टूबर को आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन आप आगे भी फंस गए, पीछे भी फंस गए, क्योंकि 5 तारीख को गॉडफादर भी आ रही है, हमारे बॉलीवुड के सलमान भाई आ रहे हैं, और वहाँ के टॉलीवुड के हमारे चिरंजीवी आ रहे, चिरंजीवी फैम नॉट अपेस्ट, तो वो दोनों भी बात है। तो मणिरत्नम जी फंस गए, तो मेरे ख्याल से कहा ना आप अपना डेट ही आगे लेके जाइए, क्योंकि विक्रम वेदा पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो लात मारने वालों में से। और ऋतिक रोशन के फैन फॉलोइंग बहुत है, इतनी थिएटर में गर्दी होगी मेरे ख्याल से। हमारे साहब मनोज साहब भी गेटी गैलेक्सी दोनों में लगाएंगे विक्रम वेदा, और पीएस का मुझे लगने का चांस कम लग रहा है। उसको शो भी कम मिलेंगे क्योंकि हर आदमी विक्रम वेदा 30 तारीख को देखना पसंद करेगा। जैसे कि पहले जैसे मैंने बहुत दिन पहले देखा था, 75 rupees कुछ प्राइस हुआ था, तो वैसा पावर हो जाएगा। क्या बात है, मतलब एक फेस्टिवल सीजन। हाँ, फेस्टिवल हो जाएगा। क्या बात है। यस सर, चलो ठीक है, दोनों मूवी जो आपने अभी बताया है एक्साइटमेंट के बारे में, जिस तरीके से इंटरेस्ट आया है, एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि दोनों अलग जॉनर की पिक्चर है। एक पिक्चर जो है आउट एंड आउट मास एंटरटेनमेंट एक्शन मूवी है, और एक जो है हिस्टोरिकल है, बाहुबली टाइप है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि दोनों मूवी हिस्टोरिकल है, तो कहा ना का ऑडियंस इसके लिए थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन कहा ना का पिक्चर 75% ऋतिक सर के हाथ में है, और 25% मैं पीएस को दे रहा हूँ। क्या बात है। तो पीएस का कहा ना का बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं प्लीज दरख्वास्त करूंगा मिस्टर मणिरत्नम सर से, हो सके तो आप नहीं आइए विक्रम वेदा के साथ, आपको बहुत नुकसान होगा सर। हिंदी बेल्ट में खास करके। साउथ का तो मैं बोलूँगा साउथ में जरूर चलेगी, साउथ में नो चांस, नो डाउट, क्योंकि साउथ में विक्रम के फैन बहुत है, मणिरत्नम सर के भी फैन है, तो साउथ में आपकी पिक्चर चलेगी। बॉम्बे में चलना इसका नामुमकिन है, इंडिया में मतलब इधर मुंबई में बॉलीवुड में चलना मुश्किल है। चलो ठीक है सर, ज़्यादा दोनों पिक्चरों को किस खास तरीके से बधाइयां देना चाहेंगे? मैं तो विक्रम वेदा को ही सपोर्ट करूंगा, बिकॉज आई एम बॉलीवुड लवर 100%। मैं पीएस भी जरूर देखूंगा, वो भी मैं फर्स्ट शो देखूंगा, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल मूवी पसंद है, बाहुबली टाइप पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर भी मैं जितना हो सकेगा चाहूँगा, मेरा लेकिन 100% है मेरा तजुर्बा इतने साल का कि विक्रम वेदा का बॉक्स ऑफिस बहुत ऊपर रहेगा सर। 100% सर।